भाई लोगों, क्या हाल चाल है भाई। अब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो बीच से। वाइट सैंड बीच है ये, प्योर वाइट सैंड बीच है। तो मैं बताऊँगा कि फ़िलीपीन मुझे क्यों अच्छा लगता है। एक तो फ़िलीपीन ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे बीचेस है, समर जो है बहुत ही ग्रेट है। आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं बीच में, और आराम से बीच का और सी का जो मज़ा है ले सकते हैं। वाइट सैंड ब्लू बीच, ब्लू बीच वो वाटर है, आप देखिए वाटर का कलर। और दूसरा मुझे एक कारण फिलीपीन इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा टिकटॉक कुछ नहीं है, फैमिली फैमिली का कोई ज़्यादा भी एक दूसरे को आपको कोई खुश करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली में रिश्तेदारों को उसको आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा कारण मुझे ये लगता है कि फिलीपीन में पैसे की वैल्यू है। आप जितना पैसा देते हैं उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। कंपेयर टू इंडिया में आपको खूब पैसा देना पड़ता है, तब भी होटलों में, रिसॉर्ट्स में, या आप कहीं भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको उस हिसाब से जो है चाहिए। वो इतना आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो नहीं है। ओके। और चौथा कारण ये लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही फन लविंग है, मिलते हैं स्माइल से, आपका हर तरह के लोग इंजॉय एंड फन है। तो आप देख सकते हैं कि फिलीपीन में रहना बहुत ही रिलैक्सिंग है और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। तो अगर आप फिलीपीन में सेटल होने की सोच रहे हैं तो एक बहुत अच्छा डिसीज़न है जो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ के जो कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और यहाँ के खान पान, रहन सहन और लोगों को अडॉप्ट करते हैं, तो सेम जो भाई जो जो बड़े लोग हैं रिटायरमेंट लेना चाहते हैं फिलीपीन में, तो फिलीपीन एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप सिंगल हैं या अगर आपकी शादी हो रखी, आप विडोवर हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना जो रिटायरमेंट है आराम से व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पेंशन है, सेविंग है, तो आप, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना एक पार्टनर भी यहाँ पे आराम से ढूंढ सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई लोगों, मैं इंजॉय करूँगा बीच। आई होप कि आप भी जो मेरा व्यू है को इंजॉय करें। तो डू सेम, लव लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।